सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, हेलो दाप, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूं हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग प्लस व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एनीवेज, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो की आ रही है आमिर माजिद की साइड से। तो एज यू नो, उनकी साइड से कल एक वीडियो आउट हुआ था जहां पे उन्होंने बताया था कि जिस दिन अगस्त चौहान की डेथ हुई थी उस दिन आखिर में हुआ क्या था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी के अपोज नहीं हूं, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपसे वही शेयर कर। तो आमिर माजिद के कल के व्लॉग में एक पार्ट आया था जहां पे उन्होंने बताया था कि इस जगह पे प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट हुआ था। एंड जब उन्होंने ये लिखा था तो उन्होंने अपनी वीडियो को जूम कर लिया था। और इसके बाद में मेरे को अपने न्यूज सबमिशन फॉर्म में और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि जब उन्होंने एक्सीडेंट वाली जगह दिखाई थी तो प्रो राइडर 1000 उनकी बाइक के राइट मिरर में पीछे ही दिख रहे थे बहुत करीब से। एंड उसके बाद उनके कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको रॉ फुटेज चाहिए उस टाइम की जहां पे उन्होंने बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। इस पे आमिर माजिद को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है क्योंकि Everybody is demanding कि उनको raw video देखनी है। And अभी तक मैंने जितने भी YouTube पे videos देखी हैं, सब पे एक ही चीज है कि आमिर माजिद की वजह से हुआ है, आमिर माजिद पे blame डाला जा रहा है। तो इस चीज पे आमिर माजिद की क्या clarification आएगी वो उनके next vlog में पता लगेगा। But अगर आपको याद होगा कि Dragger Z900 की साइड से भी कल एक वीडियो आउट हुआ था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके 50 मीटर दूर में एक सीसीटीवी कैमरा था जिसकी फुटेज भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो उस चीज का वेट करते हैं। तब तक जैसे मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था, ना मेरे को ना आपको किसी को भी हक नहीं है किसी पे ब्लेम डाले। जिसकी भी गलती होगी वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारी इंडियन पुलिस ढूंढ लेगी। एंड अभी लीगल बंजारा की साइड से भी एक स्टोरी आउट हुई है जहां पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, तुम लोग बहुत बेकार हो, किसी की जान चलेगी, मैं अभी तक शॉक में हूं और तुम सब लगे हुए कंटेंट बनाने, किसी को भी ब्लेम कर रहे हो। एंड उन्होंने बोला है कि उनकी साइड से भी एक वीडियो आने वाला है इस टॉपिक पे। एंड जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि इंडियन न्यूज मीडिया एजेंसीज ने भी इस टॉपिक को कवर करा है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रो राइडर 1000 का एक्सीडेंट 299 टच करने के अटेम्प्ट में हुआ है। तो इसके बाद प्रो राइडर 1000 के फादर की साइड से एक इंटरव्यू आउट हुआ जहां पे उन्होंने बताया कि इट्स अ टोटली हिट एंड रन केस। 300 पे तो नहीं था, पहले तो इसको आप दिमाग से हटा। बिल्कुल ठीक, अगर 300 पे एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होते। बिल्कुल कहीं। अब जितने मूर्ख लोग आते हैं, जितने YouTube चैनल, सबके अपने अपने कंटेंट बना लो, जब हर कोई बना सकता है। सही बात, कोई लिखेगा 300 के पार, कोई लिखेगा 290, किसको सच मानेंगे। यही निकल बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 भी हो सकती है, मैं कह रहा 150। ये लग रहा है किसी ने हिट एंड रन का केस सिंगल पर्सन को ब्लेम नहीं करो अंटिल हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की साइड से कोई एक फैसला आता है।